मध्य प्रदेश की कई मंडियों समेत इंदौर में भी प्याज के दाम में भारी गिरावट के साथ किसान काफी ज्यादा परेशान हैं और प्याज को बेचने की बजाय सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं। दरअसल चौथराम मंडी में किसानों से प्याज व्यापारी 1 से 5 रुपए किलो के आसपास की खरीद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2 से 3 रुपए तो प्रति किलो के हिसाब से भाड़ा लग जाता है, जिससे प्याज की लागत भी नहीं निकल पाती, इसलिए प्याज को फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फरवरी और मार्च में किसानों ने प्याज का स्टॉक कर लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले समय में प्याज की बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, लेकिन प्याज की बढ़ी हुई कीमत नहीं मिल पाई। अब जब किसान खराब प्याज को मंडी में बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें 1 से 5 रुपए प्रति किलो के आसपास की कीमत मिल रही है और व्यापारी इसी प्याज को आम जनता को दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। फसल खराब हो तो किसान को नुकसान होता है और कम कीमत मिलती है, और अगर फसल की डिमांड ज़्यादा हो तो कीमतें नीचे लाने के प्रयासों से किसानों को नुकसान होता है और कीमतें नीचे आती हैं। फंसता हमेशा किसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।